नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। हम इस समय निकले हैं नगरपालिका चुनाव के परिपेक्ष में, वार्डों में, गलियों में और मोहल्लों में, ये देखने के लिए कि दरअसल पिछले कुछ वर्षों में क्या कामयाब हुए हैं पाँच वर्ष पंच वर्षीय योजना में पार्षदों ने, और उसके बाद करीब ढाई वर्ष तक जो है पार्षद के बिना चली नगर पालिका ने वार्ड साधक के तौर पर अधिकारियों ने यहाँ काम क्या किया है, कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो आगे के चुनावों में मुद्दे बनेंगी, पार्षदों के लिए काम करने की चीज़ें होंगी। तो आज हैं वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 पूरा का पूरा शंकर कॉलोनी है, एक भूल भलैया जैसा इलाका है जिसमें अगर आप पहली बार गए हैं तो संभवतः बाहर निकलने में आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। एक ऐसा स्लम एरिया कह सकते हैं अशोकनगर का, जिसमें मूलभूत समस्याओं के साथ कई सारी सुविधाओं का अभाव है और यहाँ काम की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे लाइट का मुद्दा हो, या और दूसरी ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनसे बड़ी परेशानियाँ लोगों को यहाँ होती रहती हैं। पूरे वार्ड में एक पूरा सर्किल बना हुआ है जिसमें आप जहाँ से भी घुसेंगे वहाँ से ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं जिनका उपचार किया जाना या जिनको ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? विजय अहरवाल। क्या समस्या है? समस्या जी गंदगी से है। मंदिर के सामने कोई सफाई नहीं होती, मंदिर के आगे डीपीआई लाइट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, रोड लाइट भी नहीं जलती, कुछ नहीं जलती, आप देख सकते हैं। मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती, सफाई कर्मी नहीं आते, इधर नहीं आते, आते हैं साल छः महीना में, इतना बहुत लगाओ झाड़ू और भाई के भाई अगला खड़े जाते हैं। गली में मोहल्ला वाले पानी से परेशान रहते हैं और रोज के प्रतिदिन टैंकर से पानी भर रहे हैं और कोई नगरपालिका का टैंक नहीं आता यहाँ, और पानी से इतनी तिल्लक है बहुत ज़्यादा, और 100 रुपये प्रतिदिन का रोज का भरा हो रहा है, और इसी के अलावा लाइट चली जाती है और लाइट का बिल भी इतना ज़्यादा देते हैं, बहुत अति से अति, और मजदूर लोग हैं, सारे लोग मजदूर हैं और मजदूरों की कोई सुनता नहीं है। साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? साफ सफाई को लेकर नगर पालिका की गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है बराबर, ऐसी बात नहीं है, नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं वो सफाई कर जाते हैं, लेकिन पानी की कोई समस्या नहीं है, ये पानी से इतना परेशान है, पानी और बिजली से। कुटी वगैरह निकली आपकी? कुटी निकली आपकी? कुटी आती, कुटी के लिए ये बोल देते हैं, बोले कुटी अभी आएंगी नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा इस नंबर इस वार्ड में आएगा नहीं, और टैक्स लेने के लिए तैयार है। ये बात आपने अपने पार्षद से बोली? पार्षद से कई बार बोल दी, सर हमारी कुटी क्यों नहीं आ रही जबकि हम टैक्स दे रहे हैं बराबर, तो बोले अभी इसमें कुटी आ नहीं रही, ऐसा आखिर क्या है? आगे चुनाव आने वाले हैं, गरीब हैं, आगे चुनाव आने वाले हैं, तो अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुनोगे आप? नहीं, हम तो चुनेंगे तो हमारे हिसाब से चुनेंगे, कि ऐसा नहीं चुनेंगे कि जो 2 साल से देखते आ रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे भूखे प्यासे लोग मर रहे थे, उस टाइम पे किसी ने ये नहीं देखा कि तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, लेकिन ये चीज़ों का ज्ञान करना चाहिए कि गरीबों पे भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप वोट लेते हैं बराबर, हम वोट देते हैं, लेकिन आप हम लोगों पे भी ध्यान रखो कि हमारी दुर्दशा क्या हो रही है। यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के व्यवस्था है? कोई नहीं आ रहा। सरकारी कर्मचारी नहीं आते? कोई नहीं आ सरकारी कर्मचारी। जी नलियाँ भरी हैं? भर रहे हैं, आप खुद देख लो, पार्षद हम आता ही नहीं गली में, कभी देख भी सकाल ही नहीं बता पार्षद। पानी कहाँ से लाती हो? पीने टाइम से भरता मोल, हम तो मोल लेती हो। रोड लाइट जलती है? रोड लाइट तो जलती है। पानी की और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती? गली की लाइट जलती है। फिर तो वोट के लाने? वोट के लाने, वोट देने के बाद में भूल जाते हैं, सब भूल जाते, फिर तो घर पहुँच जाओ, उसके जा घर में सो रहा, फिर है ना कोई घर है, फिर तो नहीं कर देते हैं, कोई नहीं करा जा, जटर पड़ा है। साफ सफाई को लेकर नहीं होता काम? कोई नहीं, बहाना ही नहीं कर पा, आप कहाँ से साफ सफाई, बहाना ही नहीं आया, वहाँ से कर जाए तो परिवार। पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? पानी की बहुत दूर है, नावे हैं वहाँ से डरमो से साइकिलों द्वारा लाते हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अब साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका से कोई सफाई कर्मी आते हैं? कोई नहीं हमारी कभी। कभी आपने नगर पालिका में बोला है कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं होती? क्या बोल देती हैं? बोल देते हैं वही सफाई, बस नाती हैं जाते। आपने कोई जनप्रतिनिधि से जी बोली ये बात कि हमारे इधर साफ सफाई नहीं हो रही, लाइट नहीं जल रही? हाँ सर, हम गए थे लाइट में, कुछ नहीं जल रही, कोई व्यवस्था नहीं हुई फिर? कोई व्यवस्था नहीं।
पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? पानी कुछ नहीं व्यवस्था, सच में ला रहा है, लड़ाई हुई फिर मजबूरों क्या नाम है आपका? सुंदराम पाल। क्या समस्या है आपके लिए? समस्या मेरे पास क्या है कि बुल्क ना तो कोई झारे बारे आए और नाली साफ करे बारे आए जगली में, तो न रात के न पानी की कभी शासन नहीं है। आगे चुनाव आ रहे हैं, अब आप वोट मांगने के लिए आदमी आएंगे तो आप किसके लिए वोट दोगे? हमें ये कोई हम काम कर दे हम बिल्कुल वोट देंगे। पहले भी आपने वोट दिए है, लोगों ने आपके काम किए जनप्रतिनिधि, क्या क्या निकल जाते हैं पर काम नहीं करते, काम नहीं कर। आप तो जो काम करेगा उसके लिए हम वोट देंगे। बिल्कुल, साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? आज के मैं तो ये साफ मैं खुद करता हूँ, ठीक है, बस सुबह शाम कुछ लेन देख नहीं है, यहाँ भी झाड़ू पहुँचा भी नहीं, गाड़ी भी नहीं आ रही कचरे। रोड लाइट जलती है? रोड लाइट बिल्कुल भी नहीं है। लाइट पानी के लिए कर क्या व्यवस्था है? पानी के लिए टैंक है, मोटर से वहाँ से भर के लाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। आगे चुनाव आने वाले हैं, अपना वोट किस व्यक्ति को देना पड़ेगा? व्यक्ति को देंगे जो साफ सफाई संपर्क हेतु हमारे केवजन ने भी रहे, पिताजी ने, माता ने, सबने। अब अपना जो काम करेगा उसके लिए अपन वोट देंगे।